Hey friends, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धि और आप सभी का मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूं स्टफ साबुदाना वड़ा। नॉर्मली उपवास में साबुदाना वड़ा तो लोग खाते हैं, लेकिन आज मैं मजेदार स्टफिंग यूज करके साबुदाना वड़ा बनाऊंगी जिसे खाने में बहुत ही मजा आता है। साबुदाना वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 4 उबले हुए आलू, 1 कप साबुदाना जिसे मैंने 4 से 5 घंटे तक साबुदाना डूबे उतने पानी में भिगो के रखा था, सिंधव नमक, 2 बड़े चम्मच सिंग दाने जिसे मैंने भूनकर क्रश कर लिया है, आधा कप धनिया, 1 बड़े चम्मच हरी मिर्च, 1 छोटे चम्मच अदरक की पेस्ट, 1 छोटे चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। स्टफिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 2 उबले हुए आलू जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, थोड़े से काजू और किशमिश, 1 बड़े चम्मच अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 1 बड़े चम्मच नारियल का खमन, 1 चम्मच चीनी, 2 बड़े चम्मच सिंग दाने जिसको मैंने भून कर क्रश कर लिया है, 2 बड़े चम्मच तल उसको भी मैंने भून कर क्रश कर लिया है और सिंधव नमक। सबसे पहले हम साबुदाना वड़ा का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम आलू को मैश कर लेंगे। अगर आप चाहे तो आलू को ग्रेट भी कर सकते हैं। आलू अच्छी तरह से मैश हो गए हैं, तो अब हम उसमें साबुदाना डाल देंगे। अब हम सिंग दाने डालेंगे। सिंग दाने को भूनकर क्रश करने से उसका टेस्ट बढ़ जाता है। बारीक काटा हुआ धनिया डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, अदरक की पेस्ट डालेंगे और भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल देंगे। अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ध्यान रहे कि इसमें ज्यादा नमक ना हो जाए, वरना ये टेस्ट में अच्छे नहीं लगेंगे। अब हम सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे। साबुदाना वड़ा बनाने का मिक्सचर तैयार हो चुका है, तो अब हम स्टफिंग का मिक्सचर बना लेंगे। स्टफिंग का मिक्सचर बनाने के लिए मैंने आलू को ग्रेट किया है, उसमें हम भुने हुए सिंग दाने डालेंगे। अब हम तल डालेंगे। तल को भी मैंने भूनकर मिक्सर में हल्का सा क्रश कर लिया है। अदरक की पेस्ट और हरी मिर्च डालेंगे, सौंफ डालेंगे। अब हम उसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आमचूर पाउडर डाल देंगे, नारियल का खमन डालेंगे, चीनी डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच चीनी ली है। अगर आपको स्टफिंग थोड़ा सा मीठा पसंद है तो आप 1.5 से 2 चम्मच चीनी डाल सकते हैं। अब हम 1 छोटे चम्मच जितना नमक डालेंगे। आखिर में काजू और किशमिश डाल देंगे। सभी मसाले को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। हर तरफ से बराबर मिक्स करके मिलाएंगे ताकि सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम साबुदाना वड़ा तलने के लिए तेल को मीडियम फ्लेम पे गरम करने के लिए रख देंगे। तेल गरम होता है तब तक हम वड़ा तैयार कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथों में लेंगे और उसको हल्का सा चौड़ा करके कटोरी जैसा शेप देंगे। उसके अंदर तैयार किया हुआ स्टफिंग रखेंगे और स्टफिंग को हल्का सा प्रेस कर लेंगे। अब सभी ओर से हल्का सा प्रेस करेंगे और स्टफिंग को बंद कर लेंगे।
अब उसे प्रेस करके थोड़ा सा रोल कर लेंगे, जिससे कि हमारा वड़ा राउंड शेप का हो जाए और कहीं से भी खुला ना रहे। ठीक उसी तरह मैं दूसरा वड़ा बनाने के लिए वड़े के मिक्सचर को कटोरी शेप का कर लूंगी। अब स्टफिंग भरूंगी और मैं स्टफिंग को वड़े के अंदर सभी ओर से बंद कर लूंगी। मैंने यहाँ पे वड़े को फ्लैट करके टिक्की जैसा शेप दिया है। अगर आपको बॉल शेप पसंद हो तो आप बॉल शेप में भी बना सकते हैं। इसी तरह हम बाकी के वड़े भी बना लेंगे। मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, इसलिए तेल गरम हो चुका है तो उसमें वड़े डाल दूंगी। तेल अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद ही वड़ा डालेंगे, अगर तेल गरम नहीं होगा तो वड़ा फूट जाएगा। गैस को लो मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और वड़े को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो इसे निकाल लेंगे। उसी तरह दूसरे वड़े भी डाल देंगे। पलट देंगे और दूसरी ओर से भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो एक प्लेट में किचन टॉवल रखकर उस पे निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे वड़े कितने फ्लफी और क्रिस्पी दिख रहे हैं। मैं इसे कट करके दिखाती हूँ कि भीतर से कैसा लगता है। स्टफ्ड साबुदाना वड़ा बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा।